नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे नए वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, एक जो एरोप्लेन है राधा मेड पिक्चर बना हुआ है यहाँ पर, और ये एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर है, कलर्ड पेपर से एरोप्लेन बना हुआ है, एज फिगर में दे रखा है यहाँ पर। फाइंड द टोटल एरिया। अब इसमें पांच पार्ट है, देर आर फाइव पार्ट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, इन पांचों का ये अलग अलग एरिया निकाल के, सेपरेट एरिया निकाल करके, फिर जब टोटल आप क्या करेंगे, एरिया सबको ऐड कर लोगे तो टोटल एरिया इस जो है इस एरोप्लेन को बनाने में कितना कागज यूज हुआ है। तो ये लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ पेपर यूज, कितना पेपर जो है इसको बनाने में कितना पेपर यूज हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ एरिया, फर्स्ट ये है इसका एरिया निकालना है। ये क्या है, ये आपका जो है ट्राइंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये ट्रेपीजियम है, और ये दोनों राइट एंगल है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है दोनों, ये सेम है, कॉन्ग्रेंस है एक दूसरे के। इन सबको जो है टोटल निकाल के, टोटल बाद में इन सब का एरिया निकाल के बाद में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या लिखा है सॉल्यूशन में, ठीक है, पहला यह क्या है, फर्स्ट ट्राइंगल है, फोर ट्राइंगल। अब इसमें ट्राइंगल आप इस तरह से बना सकते हो, इसको आप अगर लिखना चाहते हैं, ये देखो ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, इधर है सेम लेंथ है इधर भी, और ये जो है 1 है तो इधर भी 1 है, ये 1 सेंटीमीटर है, जितना ये है उतनी लेंथ इसमें है, ये 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको आप अगर ए बी सी लिख सकते हो। ठीक है, तो लेट ये क्या लिखा है, फर्स्ट वाला ट्राइंगल, फर्स्ट ट्राइंगल फोर, फर्स्ट ट्राइंगल जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट क्या है, वो ट्राइंगल है, फर्स्ट पार्ट का ट्राइंगल है। तो फर्स्ट पार्ट का एरिया निकालना है ये, तो लेट ए इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 5 और सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ओके, सेमी पेरीमीटर क्या होता है, टोटल एरिया, उसमें 2 की टेबल पढ़ते हैं। ठीक है, सेमी पेरीमीटर लिखा हुआ है, ए क्या है 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या हो गया 5 × 10 = 11 ओवर 2 सेंटीमीटर लिख लिया। ओके, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट है उसका एरिया निकालना है, जो फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है। अब इसमें ह्यूरोन्स फॉर्मूला यूज किया, ह्यूरोन्स फॉर्मूला आपका क्या होता है, ह्यूरोन्स फॉर्मूला है एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ओके, व्हाट इज एस, एस है 11/2, इसको भी 11/2 माइनस 5, 11/2 माइनस 5, 11/2 माइनस 1। ठीक है, यहां पर नीचे डिनोमिनेटर 1 लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11/2, इसका 1 हुआ तो क्या हो गया, ये 2 हुआ। यहां पर, यहां पर 11 माइनस 1 2 जो 2 और ये 10 हुआ, उसी तरह से 11 ये 2 लिया, यहां पर, यहां पर 11 माइनस 10, 5 1 जा 5, 1 2 जा 2 और 5 2 जा 10, और इस वाले में लास्ट वाले में, लास्ट वाले में यहाँ 2 हुआ, यहाँ पर क्या 11, 1 2 जा 2, यहाँ पर 2 हुआ। ठीक है, यहाँ पर 2 हुआ। अब देखिए स्क्वायर रूट में देखिए 11/2, ये 11/2 होगा, 11/2, इसमें से माइनस करेंगे 1/2, ये भी अगला 1/2 और ये 9 होगा, 11 में से 2 लेस करेंगे, ये 9/2 हो जाएगा। देखिए इसमें से लेस किया 1/2, इसमें से लेस किया 1/2, पहले एलसीएम लिया, ये 2 आया, 2 जा 2 हुआ, 11 हुआ, 1 2 जा 2, 5 2 जा 10, ऐसे सेम इसमें हुआ, इसमें 2 जो है 2 1 जा 2 11 हुआ, 1 2 जा 2 और 11 में से 2 माइनस कर 9। अब देखिए यहाँ पेयर बन रहा है, ये देखो 2 का पेयर बन रहा है, यहाँ भी 2 का पेयर बन रहा है, बन रहा है 2 का पेयर, तो ये बन रहा है 2 और 2 बाहर हो गया, 2 मल्टीप्लाई 2, और यहां पर क्या
नाइन का स्क्वायर रूट क्या हो गया, नाइन का स्क्वायर रूट क्या हो गया, नाइन का स्क्वायर रूट निकला आपका थ्री, नाइन का स्क्वायर रूट क्या निकला थ्री। अब रह गया अंडर रूट के अंदर, सिर्फ अंडर रूट के अंदर इलेवन, ठीक है, तो ये हो जाएगा थ्री अपॉन फोर अंडर रूल ऑफ इलेवन, अंडर रूल ऑफ इलेवन, टू अपॉन थ्री अपॉन फोर अंडर रूल ऑफ इलेवन, ठीक है। अब अंडर रूल ऑफ इलेवन का आपको क्या निकालना है, स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट इलेवन का, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्वायर रूट रफवर्क में आप कर सकते हैं इलेवन का, देखें स्क्वायर रूट इलेवन का, देखें इलेवन के बाद पॉइंट यूज करेंगे, तीन डिजिट का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर पियर माना, पियर और पियर, ठीक है, यहाँ पर इलेवन पॉइंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जीरो आप यूज करेंगे, तीन डिजिट का वैल्यू निकालें ताकि राउंड ऑफ कर सके आप, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, टू का स्क्वायर, इसमें क्या होता है टू का स्क्वायर फोर होता है, थ्री के स्क्वायर नाइन होते हैं, यहाँ पर भी थ्री यूज किया, यहाँ पे थ्री यूज करेंगे, ठीक है, थ्री तीजा नाइन, इसमें से माइनस करेंगे टू, नेक्स्ट डिजिट लेते हैं स्क्वायर रूट में, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट यहाँ यूज करेंगे, ये पॉइंट यहाँ यूज करेंगे, अब ये थ्री और थ्री ऐड करते हैं, थ्री में थ्री ऐड करते हैं, ये सिक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा सिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर वो नंबर लिखना है जो यहाँ पर और सेम नंबर, सिक्स थ्री जाए एटीन, यहाँ पर भी थ्री, सिक्स थ्री जाए एटीन, ठीक है, तो यहाँ पर भी थ्री लिखा, यहाँ पर थ्री लिखा ये वाला, और यहाँ भी थ्री लिखेंगे, तो ये हो गया थ्री थ्री जाए नाइन और थ्री सिक्स जाए एटीन। अब इसमें से एडजस्ट करेंगे, ये इलेवन हो गया, क्या हो गया माइनस करके इलेवन हो गया। अब ये जो थ्री है, ये जो थ्री है जिसको सर्किल मारा मैंने, वो सिक्सटी थ्री में ऐड करेंगे तो ये सिक्सटी सिक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा सिक्सटी सिक्स हो जाएगा, तो सिक्सटी सिक्स हो जाएगा। अब सिक्स की टेबल में इलेवन में पढ़ेंगे तो सिक्स वन जा सिक्स होता है, क्या होता है सिक्स वन जा सिक्स, ये थ्री हुआ सिक्स वन जा सिक्स, यहाँ वन लिखा, यहाँ भी वन लिखा, यहाँ पर वन लिखा, यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ पर डबल जीरो ले लेते हैं ऊपर से, स्क्वायर रूट में ऊपर से क्या लेंगे डबल जीरो, ये डबल जीरो लिया, इलेवन हंड्रेड हुआ ये। अब यहाँ पर वन, यहाँ पर वन, तो ये सिक्स सिक्स वन हुआ, सिक्स सिक्स वन हुआ, ये माइनस करेंगे आप, ठीक है, माइनस करेंगे इसमें से, माइनस करेंगे यहाँ पर नाइन, यहाँ पर थ्री, ठीक है, यहाँ पर टेन हो गया, फोर, ये फोर थ्री नाइन हुआ, फोर थ्री नाइन। नेक्स्ट दो डिजिट नंबर है, अगली दो डिजिट स्क्वायर रूट में ले लेते हैं। अब ये सिक्स सिक्स वन है, सिक्स सिक्स वन, उसमें वन ऐड करते हैं तो सिक्स सिक्स टू हो जाएगा, यहाँ पर सिक्स सिक्स टू हुआ। आप सिक्स थर्टी फोर्टी थ्री में सिक्स सिक्स फोर्टी सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स सिक्स सेवन जा फोर्टी टू, यहाँ पर वही नंबर लिखेंगे, यहाँ पर वही नंबर लिखेंगे, वो ज्यादा नंबर नहीं होना चाहिए, सिक्स सिक्स टू और सेवन लिखेंगे, यहाँ सेवन से मल्टीप्लाई करके तो ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर भी सिक्स लिखेंगे, यहाँ पर सिक्स, यहाँ पर सिक्स लिखा आपने और यहाँ भी सिक्स लिखते हैं, ठीक है। तो सिक्स लिखने पर ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स हो गया, सिक्स टू जै ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन हो गया वन, सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स थर्टी सेवन थ्री, सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स थर्टी नाइन, ठीक है, थर्टी नाइन हो गया ये थ्री नाइन सेवन फाइव सिक्स, ठीक है। आगे जो है रिमाइंडर आप क्या लिखेंगे, इसमें से लेस करो फोर, इस यहाँ क्या हो गया नाइन, नाइन में से ले किया, देखिए नाइन में से लेस किया ये भी फोर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो गया ये एट हो गया, इसमें से ये वन हुआ, ठीक है, वन हुआ। अब यहाँ से थर्टीन हुआ, यहाँ फोर, तो इतना तो आगे तो रिमाइंडर आगे, ये तीन डिजिट आपने वैल्यू, तो राउंड ऑफ करेंगे आप, इसको क्या करेंगे राउंड ऑफ करेंगे, तो थ्री पॉइंट थ्री वन सिक्स अंडर रूल इलेवन की वैल्यू हो गई, अंडर रूल इलेवन की वैल्यू हो गई थ्री पॉइंट थ्री वन सिक्स, ये रफ वर्क में, ठीक है, इज इक्वल टू आप क्या करेंगे राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा थ्री पॉइंट थ्री टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये फाइव से बड़ी है, जब भी डिजिट फाइव सिक्स राउंड ऑफ में करते हैं सेवन एट नाइन करते तो कैरी वन करते हैं नेक्स्ट वाले में, तो इससे पहले वाले में वन कैरी करेंगे वन, तो ये सिक्स है तो ये राउंड ऑफ में क्या हो जाएगा ये वन, ये सिक्स हट जाएगा या जीरो यूज होगा, इसमें वन ऐड करेंगे तो टू हो जाएगा, तो ये अंडर रूल इलेवन की वैल्यू हो गई थ्री पॉइंट अंडर ये थ्री पॉइंट थ्री सिक्स। तो ये एरिया लिखा हुआ है यहाँ पर, एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल का, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट का जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा
थ्री ओवर फोर टा मल्टीप्लाई अंडर रूल थ्री इलेवन की वैल्यू कितनी हुई, अंडर रूल इलेवन है ये इज इक्वल टू थ्री ओवर फोर मल्टीप्लाई 3.32 हो जाए। ठीक है, अब इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ 0. क्या लिखेंगे, अब 8 की टेबल पढ़ेंगे आप 3.32 में, यहाँ 0 वो सॉरी 8 नहीं 4 है, वो 4 है तो यहाँ हो गया 0 लिखेंगे पहले, यहाँ 4 की टेबल 3 में नहीं जाता 0 यहाँ पर, फिर क्या होगा 4 8 जा 32। ठीक है, इसमें से लेस करेंगे नेक्स्ट डिजिट 4 3 जा 12, तो ये क्या हो गया 0.83 हो गया। ठीक है, अब ये आप क्या करेंगे 3 × 0.83 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.83 हो गया ये, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 8 जा 24। ठीक है, पॉइंट के बाद दो डिजिट हैं तो ये आ रहा है पहला वाला 2.49, कितना हो रहा है 2.49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट वाले कह रहा है आपका 2.49 सेंटीमीटर स्क्वायर, पहले वाला कह रही है 2.49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है आपका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आप क्या क्या बनाया, रेक्टेंगल बनाए। ठीक है, ये रेक्टेंगल है, इसमें जो लेंथ है वो 6.5 है और ब्रेथ है आपके 1 सेंटीमीटर। ओके, 6.5 है लेंथ और ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर। तो फोर रेक्टेंगल क्या है, आप रेक्टेंगल इसको ए बी सी डी जो भी लिखना चाहो ना भी लिखो कोई बात नहीं। ठीक है, फोर रेक्टेंगल मतलब सेकंड पार्ट एरिया ऑफ सेकंड पार्ट, देखिए एरिया ऑफ सेकंड पार्ट क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है। क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ। व्हाट इज लेंथ, लेंथ मान लिया हम 6.5 है और ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया हुआ 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सेकंड वाले का जो एरिया आया ये 6.5 है, कितना एरिया आया 6.5, ये सेकंड वाले का एरिया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब थर्ड है आपके पास, थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट क्या है, ट्रेपीजियम है। अब ट्रेपीजियम में उसका एरिया जो है क्या करते हैं, वन उसका एरिया फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम में, देखिए ये ट्रेपीजियम है इस तरह से, इसकी ये साइड की वन है। ठीक है, ये इस पे परपेंडिकुलर जो है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी सी डी। और ये देखिए इस तरह से ये जो क्या है, ये जो बी सी है, बी सी के पैरेलल जो है क्या करेंगे हम, एक लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये ड्रॉ करा हमने इसके अकॉर्डिंग, तो ये जो है आपका ये अकॉर्डिंग इसके ड्रॉ करा, तो इसका नाम आप ए ई लिख दीजिए और इसके परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर बायसेक्टर का देखिए। ठीक है, ये परपेंडिकुलर बायसेक्टर किया, तो परपेंडिकुलर बायसेक्टर क्या होता है, ये जो है सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। टोटल साइड है ये, टोटल है 22 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 है। ठीक है, जैसे ही इसको आप जो है परपेंडिकुलर बायसेक्टर, ये 1 है, यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी ये 1 हो जाएगा यहां से यहां तक। ठीक है, और डी ई भी 1 हो जाएगी, डी ई क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, डी 1 हो जाएगी और जो ये परपेंडिकुलर बायसेक्टर ये देखिए, ये आपने ड्रॉ करा ए एफ, ए एफ ड्रॉ करा, ए एफ जो है जैसे ड्रॉ करा परपेंडिकुलर किस पे, डी ई पे। ठीक है, तो ये उसको
टोटल डी ई है आपकी 1 सेंटीमीटर, 2 में से टोटल 2 है, उसमें से इतना लेस करेंगे तो 1 हो गया, ठीक है, ये 1 हो गया तो 1 सेंटीमीटर आया। अब डी एफ फाइंड करना है, डी एफ क्या हो गया, परपेंडिकुलर, इसको आधा डिवाइड कर लेता है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको क्या करता है, ये टोटल 1 है, उसका हाफ हाफ हो जाएगा, तो हाफ हो जाएगा 1/2 इसको तो 0.5 हो जाएगा, ठीक है, तो 0.5 हो गया ये डी एफ की वैल्यू 0.5 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, 0.5 हो गया, 0.5 है ये आपकी, ये जो है क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, देखो राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमें क्या करना है, ए एफ निकालना है इसमें, ठीक है, आपका ट्रेपीजियम में फॉर्मूला होता है 1/2 और पैरेलल साइड का B1 + B2, पैरेलल साइड का टोटल मतलब जो है सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस होती है बिटवीन देम, तो हमारे पास डिस्टेंस नहीं है, तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए ही हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, तो इसमें ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स जो है ब्रैकेट में मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन देम, तो डिस्टेंस नहीं है हमारे पास, इस वजह से बाय पीटी पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो है हाइपोटेनस हो गया ए डी स्क्वायर, और ये डी एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर, ए एफ आपको चाहिए, तो ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस डी एफ स्क्वायर, ठीक है, ए डी स्क्वायर, ए डी क्या है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है, और ये क्या चीज है, उसमें से आप क्या करेंगे, आप ये जो है क्या हो गया 0. ये लिखा है 0.5 है, 0.5 का स्क्वायर, 0.5 1 का स्क्वायर 0.5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा, 0.25 है, तो 0.1 में से 00 हो गया, 0.25 माइनस करो, ठीक है, ये माइनस करेंगे, यहाँ पर 5 हुआ, यहाँ से कह रही है यहाँ पर 7, तो 0.7 हो गया, 0.75 ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू जी 1 0.75, ए एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एफ इज इक्वल टू हो जाएगा आपका अंडर रूल ऑफ 0.75, ठीक है, 0.75 हुआ, ठीक है, 0.75 को इस तरह लिखेंगे, ए एफ इज इक्वल टू अंडर रूल ऑफ 75 को मतलब पॉइंट के नीचे 1 रखा, यहाँ 1 रखा, यूज करा, 00 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, 75 डिवाइड बाय 100, 25 से कैंसिल हो, 25 3 जा 25 4 जा, तो ए एफ की वैल्यू हो गई 3/4, अब 4 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, अलग अलग निकल सकते हैं 3, और ये अंडर रूट 4 लिखा, तो ये लिखा अंडर रूट 3/2 हो जाएगा, एंड ए एफ की वैल्यू क्या हो गई, मतलब डिस्टेंस की जो है, जो डिस्टेंस होगी बीच की, वो होगी आपके अंडर रूट 3/2 होगी, अंडर रूट 3/2। हाँ, नेक्स्ट है एरिया, देखिए इसी में निकालना है एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, अब थर्ड पार्ट क्या है, ट्रेपीजियम ये वाला, ठीक है, इसमें फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या हो गया, 1/2 होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स और मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन देम, मल्टीप्लाई डिस्टेंस उनके बीच में डिस्टेंस बिटवीन देम उनके बीच की डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस ही ये वाली डिस्टेंस, अब ये सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, ये 2 है, ये 1 है, 2+1 हुआ, और डिस्टेंस आप क्या है, अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2 है, अब ये हो गया 1/2, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई, ये क्या हो गया 2+1 = 3 सेंटीमीटर, और ये अंडर रूट 3 डिवाइड 2 होगी, ठीक है, अंडर रूट 3 डिवाइड 2 हो गई, अब ये हो गया 2 2 जा 4 हो गया 3, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया 3 अंडर रूट 3, और 2 2 जा 4 हो गया 3 अंडर रूट 3, 2 2 जा 4
थ्री अंडर रूट थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अंडर रूट थ्री की वैल्यू रफ वर्क में निकाल सकते हैं आप। अंडर रूट थ्री का कैसे निकालेंगे, ये 3.00, ये देखो तीन डिजिट का वैल्यू फाइंड करते हैं, जो भी आप निकालना चाहो। ठीक है, यहाँ पर एक सिंगल पीरियड बनेगा, पीरियड नहीं बनेगा इसमें। ठीक है, वन वन जा वन हुआ, वन वन जा वन। ठीक है, इसमें से लेस कर टू, ये दोनों ऐड कर लेते हैं, ये हो गया टू, यहाँ पर क्या हो गया टू हो जाता है। यहाँ पर ये जो ये पॉइंट यूज होता है, 00 ले लेंगे नीचे, यहाँ 00 हो गया। ठीक है, अब 27 जा 14, 28 जा 8 जा करेंगे, यहाँ पर भी 8 तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, 28 जा 16, 29 जा वो ज्यादा हो रहे हैं, 8 जा 64, 8 2 जा 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ये ज्यादा हो रहा है, ये 200 है 222 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 7 लेंगे, यहाँ 7 लिखेंगे, यहाँ भी 7 लिखेंगे, ये हो गया 189। कितना हो गया, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 18। अब यहाँ पर क्या हो गया, 11, कितना हो जाएगा 11। अगले दो डिजिट ले लेंगे, अब ये दोनों ऐड कर लेंगे, कितना हो गया, ऐड करके आपका ये ऐड करेंगे 27 28 29 30 31 32 33 34, यहाँ 34 हो गया। अब 3 की टेबल में ये कितनी बार है, 3 3 जाए 9, यहाँ 11 है, तो ये 3 है, तो ये 3 की टेबल में 11 क्या हो, 3 3 जाए, यहाँ पर 3 यूज हुआ, 3 जो है 3 3 जाए 9, 3 4 जाए 12। ठीक है, 3 4 जाए 12 हो गया, 3 3 जाए 9, 3 4 जाए 12 और 3 3 जाए 9 110 हो गया। ठीक है, 3 4 जाए 12, 3 3 जाए 3, 2 जाए 6, 3 3 जाए 9, 3 4 जाए 12 और 3 3 जाए 9 110। अब ये देखो 1.732 भी आता है, तो यहाँ पर लिख सकते हो आप क्या लिख सकते हैं, इसका एरिया 3 × 1.732, आगे भी 2 भी हो सकता है आगे। ठीक है, 2 मैंने आगे पढ़ने, 2 / 4। ठीक है, अब ये हो गया आपका, ये क्या हो गया, 4 की टेबल पढ़ो, 1.732, ये क्या होगा 0, यहाँ पर क्या होगा 4 4 जा 16, 1 रिमाइंडर, अगली डिजिट क्या है 3 है, 4 3 जा 12। ठीक है, 1 अगली डिजिट क्या है, 4 3 जा 12, ये हो जाएगा 4 की टेबल क्या होगा, डिवाइड करने से हो गया 3 × 0.433। ठीक है, अब 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो यहाँ पर पॉइंट हो गया। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा ये। ठीक है, अब राउंड ऑफ में क्या लिखेंगे हम इसको, ये 9 है तो इसमें ऐड करेंगे 10 हो गया, ये ऐड करेंगे तो ये आएगा 1.3। ट्रेपीजियम का जो एरिया हो गया 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये थर्ड वाले का एरिया निकल गया। देखिए नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट, देखिए दोनों क्या है, राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल है तो राइट ट्राइंगल है, दोनों कॉन्ग्रेंस भी है, दोनों तरफ जो है क्या है एरोप्लेन के दोनों साइड क्या है सेम होते हैं जो एरोप्लेन का, तो ये क्या है राइट ट्राइंगल है। ठीक है, तो पार्ट फोर्थ और पार्ट फोर्थ क्या है आपका, फोर्थ एंड फिफ्थ आर कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल, कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, कॉन्ग्रेंस है, तो हम एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट, जो फोर्थ पार्ट का एरिया निकालेंगे, फोर्थ पार्ट क्या है, राइट ट्राइंगल है। ठीक है, एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट, ये वाला फोर्थ पार्ट इज इक्वल टू राइट ट्राइंगल में क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला लगाना है, बेसिक फॉर्मूला है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, तो 1/2 बेस मल्टीप्लाई लेट, बेस क्या है, बेस है 6 और हाइट है आपका 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेस 6 सेंटीमीटर लिया, हाइट 1.5 लिया, तो 1/2 × 6 जो है 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कैंसिल करा 2 3 जा 6, ये दोनों मल्टीप्लाई किया 3 × 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1.5 सेंटीमीटर, और ये दोनों मल्टीप्लाई करके क्या हो गया 4.5
फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया पांचवा का एरिया ऑफ फिफ्थ पार्ट, जो फिफ्थ पार्ट का एरिया है, फिफ्थ पार्ट का एरिया फोर्थ पार्ट दोनों कॉन्ग्रेंस है, दोनों राइट ट्राइंगल है, तो एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ फिफ्थ पार्ट का एरिया फोर्थ के बराबर होगा, फोर्थ पार्ट के एरिया के बराबर, फोर्थ पार्ट, ठीक है। एरिया ऑफ फिफ्थ, ये फिफ्थ वाला फोर्थ है, दोनों सेम होगा, दोनों का एरिया, एरिया ऑफ फिफ्थ पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट, एरिया ऑफ फिफ्थ जो है फिफ्थ पार्ट है एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट इज इक्वल टू, ये भी क्या होगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल एरिया निकालना है, टोटल एरिया ठीक है, टोटल एरिया जो है जितना टोटल एरिया निकला है एरोप्लेन बनाने में जो कागज यूज हुआ, टोटल एरिया पेपर और पेपर यूज्ड फॉर मेकिंग एरोप्लेन है ना, वो क्या होगा टोटल एरिया क्या निकाला, पहला वाला का एरिया कितना निकला था, पहला वाला का एरिया था 2.49 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरे वाले का एरिया कितना निकला था हमारा 6.5 था ना, दूसरे वाले का 6.5 और तीसरे वाले का था 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और चौथा है 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल हो गया पहले वाला का एरिया 2.49, दूसरे वाला का एरिया 6.5, तीसरा वाला है 1.3, चौथा वाला है 4.5 और पांचवा भी 4.5, ठीक है। यहाँ जीरो यूज करोगे आप, ये 9 हो गया, ये क्या हो गया 9, 10, 11, 12, ठीक है, और ये पांचवा 10, ये 10 हो गया, 11, 12, 13 और ये 30 जो है 23, 22 हो गया, ठीक है। ये जो 9, 10, 11, 12 और 12 और 12, 22 हो गया, 12 में 10 है 22, और ये 2 कैरी हो गया 4, 10, 11, ठीक है, और ये 15, 19, तो कितना हो गया टोटल 19.29, दोनों ऐड करेंगे तो ये आ गया 19.29, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालने में ये भी जो भी है 19.29, ये टोटल पेपर बनाने में जो कागज यूज हुआ है उस टोटल एरिया ऑफ जो है पेपर यूज्ड फॉर मेकिंग एरोप्लेन उसका ये टोटल एरिया है 19.29 सेंटीमीटर स्क्वायर।